दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र एक जादुई मंत्र है और उसके महत्व का वर्णन करना हमारे लिए असंभव है। फिर भी इस मंत्र की महत्ता बताने का तुच्छ प्रयास किया गया है। इस सावन के पवित्र मास में सभी सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र की इस महिमा को जरूर जानना चाहिए, जिससे आपके ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही, साथ में आपको अनेकों प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का मुकाबला कोई दूसरा मंत्र नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और शैव संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। ओम को छोड़कर इसे शिव पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ पांच अक्षर मंत्र है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंत्र श्री रुद्रम चमकम और रुद्राष्टाध्यायी में न मह शि वा और य के रूप में प्रकट हुआ है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का अंश है और रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। सिद्ध शैव और शैव सिद्धांत परंपरा जो शैव संप्रदाय का हिस्सा है, उनमें नमः शिवाय को भगवान शिव के पंच तत्व बोध और उनकी पांच तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता मानते हैं। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, मह ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करता है, शि ध्वनि अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, वा ध्वनि प्राणिक वायु का प्रतिनिधित्व करता है, यह ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। ओम एक ध्वनि की भांति प्रतीत होता है, परंतु इस ओम में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति का वास है। ओम शब्द तीन अक्षरों से मिलकर बना है, अक और उ और म, जिसमें से अ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का अर्थ है विकास और म का अर्थ है मौन अवस्था में आ जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र में शिव, श्री विष्णु, माँ दुर्गा, श्री गणेश और ब्रह्मा शामिल हैं। शिव में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसलिए वे सर्वोच्च शक्ति हैं। शिव पुराण के अनुसार 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय जप करने पर आप होंगे अगले ब्रह्मा। जी हाँ, यह मंत्र आपको स्वयं ब्रह्मा बना सकता है। शिव पुराण में इस मंत्र का पूरा अध्याय है। अब आप समझ सकते हैं यह मंत्र कितना महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यदि आप लगातार इसका जप करते हैं तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी, क्योंकि कोई भी शक्ति भगवान शिव पर शासन नहीं कर सकती है। इसका 10 करोड़ बार जाप करें और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि आप इतना आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं और शांति पाना चाहते हैं, तो भी यह मंत्र आपके लिए उत्तम है। यह मंत्र भगवान शिव के करीब आने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। शिव स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। इससे आपका शिव में विश्वास गहरा होगा। यह सबसे जादुई मंत्र है, इसे मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। यह मंत्र आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्ध करेगा। मेरे शिव से जल्दी कोई दूसरा भगवान आपको मोक्ष नहीं दे सकता। मेरे शिव से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। लोग उसे नहीं समझते हैं, वे उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वे उसे गहराई से नहीं जानते हैं। ओम नमः शिवाय शब्दों से परे है, इसके महत्व का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, भक्ति आसानी से नहीं आती, लोग भगवान से कृपा चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें इस मंत्र का लगातार जाप करने की सलाह देता हूँ। इससे आप निस्वार्थ और शुद्ध हो जाएंगे और तब आपको शिव की अनुभूति होगी। क्या रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करने से कोई खतरा है? जी हाँ, ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजाना जाप करने में कई तरह के खतरे भी होते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। अब शब्दों का प्रयोग बंद कर देंगे। आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मकता महसूस करते हैं। आपको पछतावा होगा, शिव मंत्र का जाप न करके आपने इतने साल क्यों बर्बाद किए। आप अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हुए देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सफल शांत स्वभाव के हो गए हैं और इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। शिव के नाम और धर्म के अनुसार जीने के अलावा आपके मन में और कुछ नहीं होगा। आपको एहसास होता है कि आप एक नश्वर हैं और आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य एक इंसान के रूप में आपकी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना है। आप शिव की कृपा से आत्म साक्षात्कार के मार्ग में होंगे।
इसलिए यदि आप उपरोक्त सभी चीजों को चाहते हैं, तो आप तय करें कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है या नहीं। यह आपका निर्णय है। तो दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप ऐसी ही ज्ञान भरी बातें जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।